I guess you guys cannot even see me properly. अब थोड़ा बहुत देख सकते हैं. सो हम लोग पीछे स्टेज है, दिख रहा भी नहीं. आए बस नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस करने स्टेज वगैरह देखने के लिए. और वो क्या बोलते, डीजे भी आ गया तो हम लोग बस लाइक जो स्किट रहता वो प्रॉपर एक बार रिहर्स करने आए. और कल सुबह एक बार साउंड चेक रहता. सो अभी मई प्रेरण, शोएब और मलिक चारों है यहाँ पे. बज रहे हैं 2:15, हम घूम रहे हैं. सो अभी विदाउट 2:15 विदाउट माइक्स परफॉर्म कर रहे हैं. एक्चुअल में 12 बज रहे रात में. मलिक एक बार तो हम लोग परफॉर्म करके देखे तो वो तो जबरदस्त दिख रहा. अब कल सुबह एक बार साउंड चेक करके फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस रहता हम लोगों का. और शोएब का तो आई सी यू इन द मॉर्निंग. वी आर एट द वेन्यू. अभी सुबह के 6:30 बजे इतनी ठंडी हवा चल रही मालूम डालने के सोचाना दिल बल रहा. साउंड चेक करने आए हम लोग. दिस इज़ वेयर वी आर गोना परफॉर्म. हमारे साथ और भी परफॉर्मेंसेस है बट फिर भी दिस इज गोइंग टू बी माई लाइक लिटरली फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई लाइफ. सो अ लिल नर्वस बट ओके आई एम लाइक चिल. सो दैट्स दैट. तो अपडेट, अभी डीजे ऑपरेटर इश्निया उन्हें आने के बाद फिर साउंड चेक होता. इंडिया नथिंग गोज ऑन टाइम. इतना खूबसूरत वेदर है आज का. ये देख लो, ये पूरा गार्डन टाइप है. फिर इधर है, इधर स्टेज है हम लोगों का, इधर सीटिंग एरिया है, पीछे डाइनिंग हॉल है. बट दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. आई डोंट नो हाउ इट लुक्स ऑन कैमरा बट इट लुक्स क्वाइट गुड इन रियल लाइफ. एंड हम लोग के प्रिंसिपल आया. और शानू का वेट कर रहे हैं हम लोग. मेरे बालों से नए प्रॉब्लम है, हर दिन सेट रहते. जिस दिन सेट होना है उस दिन सेट होते ही नहीं. आई मीन और ह्यूमिडिटी इट इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल टुडे. कल रात में थोड़ा सा लाइक ड्रिजलिंग होके बंद हो गया. उसके बाद से जो गर्मी चालू हुई जो भी है मैनेज करना पड़ता. इट इज़ करेंटली 12 बज रहे. सो प्रोग्राम था
9:30 का और 12 बज रहे अब. उसमें गलती हम लोगों की भी नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है जो कि मैं नहीं बोल सकता हूँ. बट एनी वे, टुडे इज़ अ बिग डे. पहली बार आज स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं और यू नो दोनों. मैं तो सिंगिंग नहीं सीखा, बस सुन सुन के जितना आता उतना आता, बट यू नो 9 ईयर्स सिंगिंग सीखे सो है. सो इनके साथ परफॉर्म करूँ तो इनके घर में लिटरली कितने अवार्ड्स है तुम्हारे पास? 20+ अवार्ड्स है सिंगिंग में, स्टेट लेवल चैम्पियन है. सो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक एन ऑनरेबल मूवमेंट फॉर मी. खैर अब शानू आए तो निकलना है, वो तो अब देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है. हमारे टाइम पे क्या पुकारते फिर तुम? अभी हमारा परफॉर्मेंस हुआ भी नहीं, शोएब भाई बंटाई की आवाज बढ़ गई. ये हमारी आन शान इन्हीं पे बंटाई बात नहीं बोल सक रहा हूँ मैं ज़्यादा. आगे एक ही नहीं बोल डाल दे रहे थे ना, मैं पहना दे रहे चीखा मार मार के. अब बाबा बाबा चीखा कर दे रहे हैं यार, आवाज बढ़ गई भाई. आवाज बढ़ गई बाद में, बाद में, बाद में. गाना वीडियो बना रहे जबरदस्त एकदम चीख मार किराक. सब जनो सब्सक्राइब करो, लाइक करो. Okay, just got done with the performance. I mean, मैं बंदे की क्लिप पूरी जो है ना पूरा वीडियो ले लिया, पूरा वीडियो चैनल पे आ जाएगा वीडियो, आप देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. I mean, finally I got to live my dream. I wanted to perform in front of a bunch of people, but वहाँ पे कम से कम 800 लोग थे, हजार थे भाई, 800 to 1000 people उन लोगों के सामने, 1000 अप्रोक्स.
उन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, आई मीन जो फीलिंग है ना, वो एड्रेनलिन रश जो था, जो डोपामिन रिलीज हुआ, अगर मेरे चेहरे पे नहीं दिख रहा आप लोगों को तो पता नहीं, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूँ फीलिंग। लाइक आई हैव नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर विद द परफॉर्मेंस, इट वाज मेरा लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस था, सो आई हैव नो रिग्रेट्स। वो अगर कुछ उसमें गलत भी था तो भी आई हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि ऑलवेज देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे।